नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे और सी प्रोग्रामिंग की इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे एरेज की। एरे वैल्यूज का एक सेट है जहां प्रत्येक वैल्यू को एक नंबर द्वारा पहचाना और संदर्भित किया जाता है और इस नंबर को हम इंडेक्स कहते हैं। एरे के बारे में अच्छी बात यह है कि उन्हें किसी भी प्रकार के एलिमेंट से बनाया जा सकता है जिसमें बेसिक टाइप्स जैसे इंटीजर और डबल शामिल है। लेकिन एक एरे में सभी वैल्यूज का एक ही प्रकार का होना आवश्यक है। जब आप एक एरे को डिक्लेयर करते हैं तो आपको एरे में एलिमेंट्स की संख्या को भी निर्धारित करना होता है। एरे को कुछ इस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है। सिंटैक्टिकली एरे वेरिएबल्स अन्य सी वेरिएबल्स की ही तरह दिखते हैं, सिवाय इसके कि इन वेरिएबल्स के नाम के आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिनमें एक नंबर लिखा होता है जो कि एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन करता है। हमारे उदाहरण की पहली लाइन में एक सी नाम का एरे डिफाइन किया गया है जो कि इंटीजर टाइप का है और इस एरे में चार इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स क्रिएट किए गए हैं। दूसरी लाइन डबल वैल्यू 10 में एक डबल टाइप का एरे डिफाइन किया गया है जिसका नाम वैल्यूज है और जिसमें 10 डबल टाइप के एलिमेंट्स को क्रिएट किया गया है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एरे को डिक्लेयर करने के तुरंत बाद उस एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स की वैल्यू कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज किया जाना चाहिए और कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाना चाहिए जैसा कि इस उदाहरण में दिखाया गया है। यह स्टेटमेंट 4 एलिमेंट्स के एक एरे को क्रिएट करता है तथा उन सभी को 0 से इनिशियलाइज करता है। यह सिंटैक्स केवल इनिशियलाइजेशन के समय लीगल है, बाद में प्रोग्रामिंग के दौरान एरे में एलिमेंट्स बाय एलिमेंट्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं। स्क्रीन में दर्शाए गए फिगर में एरे के स्टेट डायग्राम को दिखाया गया है। बॉक्सेस के अंदर जो नंबर्स हैं वे एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू हैं। बॉक्सेस के बाहर लिखी गई संख्या प्रत्येक बॉक्स की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इंडिसेस हैं। जब आप एक नया एरे एलोकेट करते हैं तो इनिशियलाइज किए बिना एरे के एलिमेंट्स में आमतौर पर आर्बिटरी वैल्यूज स्टोर्ड होती हैं, अतः आपको उनका उपयोग करने से पहले उन्हें मीनिंगफुल वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एरे में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैसे इस्तेमाल करेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इतने कॉमन ऑपरेशंस हैं कि सी में उनके लिए एक स्पेशल ऑपरेटर डिफाइंड है। प्लस प्लस ऑपरेटर इंटीजर, करेक्टर और डबल की करंट वैल्यू में एक जोड़ता है और माइनस माइनस ऑपरेटर एक घटाता है। टेक्निकली एक ही समय में एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना और उसे किसी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करना संभव है जिसे आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम पिछले लेक्चर में डिफाइन किए गए फंक्शन प्रिंट मल्टी टेबल्स को इस प्रकार लिख सकते हैं। और एक आवश्यक बात, इस तरह का डिक्लेरेशन इनवैलिड है। दुर्भाग्य से यह स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली लीगल है इसलिए कंपाइलर आपको चेतावनी नहीं देगा। यह स्टेटमेंट इंडेक्स की वैल्यू को अनचेंज्ड रखता है। इस तरह का बग डिबगिंग को कठिन बना देता है। अब हम देखते हैं कि हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। यह ऑपरेटर हमें किसी एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रीड और राइट करने के लिए अलाउ करते हैं। इंडिसेस 0 से स्टार्ट होती है इसलिए C0 एरे के पहले एलिमेंट को रेफर करता है और C1 दूसरे एलिमेंट को रेफर करता है। आप एक्सप्रेशन में कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन में दिखाए गए सभी स्टेटमेंट्स लीगल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं। इस कोड फ्रेगमेंट का प्रभाव कुछ इस प्रकार होगा। आपने नोटिस किया होगा कि इस एरे के चार एलिमेंट्स 0 से 3 तक गिने जाते हैं जिसका अर्थ है इंडेक्स 4 के साथ कोई एलिमेंट नहीं है। फिर भी किसी एरे के बाउंड से आगे जाना एक सामान्य एरर है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एरे बाउंड्रीज को चेक नहीं करती है इसलिए आपका प्रोग्राम एरे बाउंड्रीज से बाहर के मेमोरी लोकेशन को उसी तरह
एक्सेस कर सकता है जिस प्रकार एरे के बाउंड्री के अंदर डिफाइन की गई वैल्यूज को। यही प्रोग्राम में सबसे अधिक बग का कारण भी बनता है। यह आवश्यक है कि आप एक प्रोग्रामर के रूप में सुनिश्चित करें कि आपका कोड सही ढंग से एरे बाउंड्रीज का ध्यान रखे। आप किसी भी एक्सप्रेशन को इंडेक्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं जब तक कि उसे इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया गया है। किसी एरे को इंडेक्स करने के लिए सबसे सामान्य तरीकों में से एक है इनको लूप वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करना। उदाहरण के लिए, यह एक स्टैंडर्ड व्हाइल लूप है जो 0 से 4 तक काउंट करता है, और जब लूप वेरिएबल आई की वैल्यू 4 होती है तो टेस्टिंग कंडीशन फेल हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इस प्रकार लूप की बॉडी के अंदर डिफाइंड स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब आई की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 हो। इस बार लूप में आई को इंडेक्स के रूप में इस्तेमाल करके हम एरे के आईथ एलिमेंट को प्रिंट करते हैं। एरेस का इस्तेमाल बहुत सी समस्याओं का सुविधाजनक समाधान पाने के लिए किया जा सकता है, जिसमें बहुत ही बड़े डेटा सेट की सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग प्रमुख है। हालांकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं कर सकती, इसके लिए आपको एप्रोप्रिएट कोड लिखना होगा। उदाहरण के लिए, आप किसी एरे के सभी एलिमेंट्स को एक ही समय में सेट नहीं कर सकते हैं, और आप एक एरे को दूसरे को असाइन नहीं कर सकते भले ही उनके टाइप और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। किसी भी एरे के सभी एलिमेंट्स को सेम वैल्यू असाइन करने के लिए आपको उन्हें एलिमेंट बाय एलिमेंट सेट करना पड़ेगा। इसी प्रकार एक एरे के एलिमेंट्स को दूसरे में कॉपी करने के लिए आपको फिर से ऐसे ही करना होगा। एरे के प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे में कॉपी करके इसका कोड कुछ इस प्रकार होगा। फॉर लूप्स। अब तक हमने जितने भी लूप देखे हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। सभी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करके शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं या कोई कंडीशन चेक करते हैं, और इसके बाद लूप के अंदर के किसी वेरिएबल पर कोई ऑपरेशन जैसे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आदि परफॉर्म करते हैं। यह लूप इतना कॉमन है कि इसके लिए एक अल्टरनेट लूप स्टेटमेंट है जिसे फॉर लूप कहा जाता है, जो इसे और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। सामान्य सिंटैक्स इस तरह दिखता है। यह कोड इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है, सिवाय इसके कि यह अधिक संक्षिप्त है, और चूंकि यह सभी लूप रिलेटेड स्टेटमेंट्स को एक स्थान पर रखता है इसलिए इसे पढ़ना आसान है। उदाहरण के लिए, स्क्रीन पर दिखाए गए दोनों कोड्स इक्विवेलेंट हैं। सी हमें किसी एरे की एक्चुअल लेंथ निर्धारित करने के लिए एक सुविधाजनक तरीका प्रदान नहीं करता है। किसी एरे के साइज को जानना सुविधाजनक होता है जब हम एरे के सभी एलिमेंट्स के थ्रू लूप कर रहे हैं और लास्ट एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के बाद आपको स्टॉप करना हो। एरे की लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं, जो डेटा टाइप्स के साइज को बाइट में कैलकुलेट करता है। सी में ज्यादातर डेटा टाइप्स अपनी वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक बाइट से ज्यादा स्थान घेरते हैं, अतः इसलिए एरे में एलिमेंट्स की नंबर को एस्टेब्लिश करने के लिए एरे के बाइट काउंट को सिंगल एलिमेंट के बाइट काउंट से डिवाइड करना होगा, कुछ इस तरह। किसी कांस्टेंट के बजाय इस वैल्यू को लूप के अपर बाउंड के रूप में उपयोग करना एक अच्छा विचार है। इसको इस्तेमाल करने पर अगर किसी भी कारण से प्रोग्राम में आपको एरे के साइज में परिवर्तन करना पड़ा तो आपको प्रोग्राम के सभी लूप्स में लूप वेरिएबल की वैल्यू को मैन्युअली चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस प्रोग्राम में जब लूप की बॉडी लास्ट बार एग्जीक्यूट होगी, आई की वैल्यू लेंथ माइनस वन हो जाएगी, जो कि एरे के लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू है। जब आई की वैल्यू लेंथ के बराबर हो जाएगी, टेस्टिंग कंडीशन फेल हो जाएगी और लूप के बॉडी के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो आज हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले लेक्चर में हम एरे के कुछ और ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।